जयंती महाकाल के दर्शन करना है। अच्छा चलो चलो, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप जो देख रहे हैं ये 28 बस्ती बक्सा डुअर्स का व्यू है। मैं स्कूटी में उल्टा होकर बैठा हूँ ताकि आपको नज़ारा अच्छी तरह से दिखाने पाए। हम लोग जा रहे हैं जयंती बाबा के द्वार, बाबा का दर्शन जरूर कराऊंगा आज। मैं आपको कह रहा था सशस्त्र सीमा बल के बारे में, वही लोकेशन है ये। तो काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी केंद्र की ओर से आने से हम लोग दिन रात कभी भी चल सकते हैं, बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि सब समय तैनात रहते हैं यहाँ पे। ये NPSTC की एक बस आती है अलीपुर डिपू से, डेली का सुबह आना इस टाइम पे 8 बजे यहाँ पे एंट्री, 9 बजे निकलना, फिर शाम को यही बस रिटर्न आएगी, फिर इसी में रिटर्न जाएंगे अलीपुर जाने वाले। तो जो चाय के दुकान में बता रहा था मैं आपको, ये पीला कलर का दिखा हुआ जो वैरायटी, और अब शिवरात्रि आने पर यहाँ पे इस दुकान में काफी तरह की वैरायटी फल फूल देखने को मिलेगी और खाने खरीदने को भी मिलेगी। जो बाबा के द्वार में जाने वाले हम चढ़ाया करते हैं, तो इन्हीं लोगों में से हम लोग लेके जाते हैं प्राय बाहर से। आपको दिखाई देगा ये संतरा, देखिए ये बक्साकोट का उगा हुआ लोकल फ्रंट के कहलाते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन की तरफ भी ये फल आपको देखने को मिले। हाथी बोले, अरे यार कम से कम 3 ट्रक की हाइट थी नीचे से ऊपर तक, और ज्यादा होगी कम नहीं, बहुत नीचे दिखता था ट्रक तो जाने पर, जब डोलोमाइट का खनन हो रहा। और उस समय ये नदी भी इतने, ये जो ऊपर के और जो दिख रहा है आपको, इतना हाइट नहीं था, ये कम था। अभी ये देखिए सूखी हुई पेड़ जो पड़ी हुई आपको दिख रही है, ये बीच में पूरा आपका ये एक क्या कहूँ ग्राउंड जैसे थी। अब तीन नदी अपने आकर ले रही है, बहुत मेहनत करके लाया है बच्चे लोग, कितना करके बेचे ना, नहीं बेचेगा लोग अपना घर के लिए, घर लेके रखो। बाबा जी की दर्शन करना साथ में, जो हम लोग हर साल शिवरात्रि के बिखोरी वहाँ पे तैनात रह जाते हैं, एक छोटी सी अपनी दुकान भी है साथ में, भक्तजनों की कुछ असुविधाएं सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए लोगों की सेवा करने के भाव से भी वहाँ पर हम लोग तैनात रहते हैं। तो एक छोटी सी जगह की वो है ना करना है जहाँ पे हम रहते हैं, सालों साल करते आ रहे हैं, हमारे बचपन से ही करते आ रहे हैं ये। हाँ वहाँ पे कपड़ा की दुकान होगी, कपड़े होगी, जूती होगी, मोजा होगी, टोपी, डिफेंस कम सिविल प्लस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली आइटम आपको हमारे पास भले क्वांटिटी कम मिलेंगे लेकिन सही अच्छी चीज मिलेगी। कोई बात नहीं, कहाँ से आए आप? रोज व्यक्ति का खतरा है भाई, दिल में आ रहा हूँ। और बीच में जो ऊपर मस्तिष्क की ओर जो आपको दिखाई देती है बाबा की, याद कीजिएगा जो
एक गंगा बहती हुई देखिए, बिल्कुल वही गंगा आपको थोड़ा ऊपर की ओर दिखाना चाहता हूँ मैं लोगों को, थोड़ा दिखा दे। दिखा रहा हूँ। हाँ, वो जो आपको दिखाई देती है ना, बिल्कुल गंगा की धार है वो, बस इस ओर से नज़ारे के लिए। लेकिन वाकई में सत्य जो गंगा की धार है, और आगे की ओर ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा। ऐसे यहाँ पे आप कितने सालों से बैठते आ रहे हैं? ऊपर का 12 साल, 12 साल और 6 साल, 18 साल हो गया आपका यहाँ पे आना ना। ठीक है, अच्छी बात है, आप हर साल यहाँ पे बाबा की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। ये रही आपका बाबा जी। जो बाबा जी, अब जहाँ पे भगवान की बसेरा हो वहाँ पे कोई जगह ना, नाम में भी एक ठो ले लिया, ले लिया, दो ले लिया मैंने। ठीक है बाबा जी, हम मोबाइल पकड़ा हूँ इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, बुरा मत सोचिए। इधर से ही चले गए क्या? अच्छा हाँ, ओए ये पकड़ना चाहिए तो मोमबत्ती और क्या। देखिए इसी जमीन का मुआयना करने हम लोग आए हैं यहाँ पर। हर साल हम लोग यहाँ पर एक दुकान देते हैं, कपड़ा का दुकान, जहाँ पर हर तरह का कपड़ा मिलता है, खासकर शिवरात्रि के उद्देश्य से, और शिवरात्रि को लक्ष्य मानकर गमछा, चद्दर, ठंडा से बचने के लिए सामान वगैरह। पत्थर से शुरू कर बोले, देखिए इस पत्थर को जो दिख रही है आपको, ये भले लोगों की नजरों में पत्थर है, मेरे लिए स्वयं बाबा जी यहाँ पे हमारे लिए खड़े हुए हैं, हमारे इसी के इर्द गिर्द में हम लोग दुकान, इसी के इर्द गिर्द बोलने से ठीक, इसके पीछे की ओर हम लोग दुकान लगाते हैं। यहाँ पे पीछे की ओर चाय की व्यवस्था भी होती है लोगों को, जो मेरी ओर से बिल्कुल फ्री है। और ये अभी काफ़ी आपको जंगल दिखाई दे रही है, अब ये साफ करके हमारा जो दुकान का बोल रहे थे मैं आपको, जो यहीं पर होगी, इस लोकेशन में होगी एग्जैक्ट, और यहाँ पर आगे की ओर होगी जो भूटान की मेडिकल टीम, जो भक्तजनों को कोई भी सुविधा असुविधा कुछ भी हो जाने पर, अस्वस्थ पड़ने पर यहीं पे उपचार किया जाता है इमरजेंसी। और पीछे की ओर जो जगह दिखाना चाहता हूं मैं आपको, जहां पे सिलगुड़ी भंडारा, एक साथ में कम से कम 5,000-10,000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। इस तरह से यहां पे लोगों की कतार लगी रहती है, लाखों की कतार में आकर यहाँ पर लोग खाते हैं, लोगों की सेवा के लिए किया जाता है ये भंडारा। ये रहा जो, और ऊपर की ओर जो आपको दिखाई दे रही है खाली, वहाँ पे पानी की झरना है, वहीं की पानी की व्यवस्था यहाँ पे पूरे खाने पीने के लिए किया जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है आगे बंदा, ये हमारा दोस्त है प्रकाश सोनार, जो अपना पैसा के साथ साथ में कुछ नए नए विजिटों का दर्शन करना, प्लेसों का, और विशेष करके बाबा जी के नाम पलने पर तन मन में बसा हुआ बंदा है। जो बड़ा महाकाल जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, वो देखिए ऊपर में जो चोटी दिखाई दे रही है, बीच में जो बड़ी सी जंगल की जो झुंड दिखाई दे रही है, उसी के बगल में मंदिर है। लगभग आपको उससे ठीक वो जो पेड़ के ठीक पीछे की ओर दिखे आप, एक गेरुआ रंग का झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहा है आपको, वहीं है बड़ी महाकाल। और ये नदी रहा, देखिए इसी से लेफ्ट से होते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ नहीं जाना है अभी हमको, बड़ा महाकाल नहीं जाना, हमें जाना है छोटा महाकाल जो बगल में है। देखिए ये इस एक चीज़ मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो पानी दिखाई दे रही है आपको नदी, इसी नदी के जरिए ही भूटान और इंडिया का बॉर्डर निर्धारित किया जाता है। पानी के उस ओर भूटान एरिया हो गया, और इस ओर हो गया इंडिया का एरिया। देखिए बिल्कुल ये नदी आपको अलग कर देती है। तो ये रहा जो नदी, देखिए जयंती का काफ़ी सुंदर कलकलाती नदियाँ, और ये देखिए ये भक्तजनों के आने पर खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे किया जाता है, रेस्टों की व्यवस्था है। और इनका उद्देश्य खाली पैसे कमाना नहीं, लोगों को स्वस्थ खाना, साफ सुथरे तरीके से कुछ भी उनके पास हो जुगाड़ करके देने की आदत है, तन मन से लगे होते हैं। देखिए खुद अभी बर्तन माँज रहे हैं, बहुत चाय भी अच्छी बनाते हैं, मोमो, मैगी, वाई वाई, बहुत कुछ आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा। देखिए आपके मन पसंद कुछ भी खाएं, देखिए ये लगभग शिवरात्रि का आगमन होने के ठीक 1.5-2 महीने पहले वो लोग आ जाते हैं, ये वर्षों से करते आ रहे हैं ये लोग यहाँ पे।
देखिए जो दुकान आपको मैं फर्स्ट विजिट करवा के आया हूँ उसमें रहने वाली बहने ही है, ये काफी लोगों को उत्साहित तरीके से सेवा देती है, अच्छे अच्छे खाना पीना बना के खिला के। दीदी का नाम भूल गया, शिरीन है इसका नाम, शिरीन शिरीन दीदी मोमो मैगी चाय कुछ भी आपको खाने की जरूरत हो, मैगी चाय मोमो कुछ ड्रिंक्स वगैरह, ये भूटान के अंडर है, बिल्कुल ड्रिंक्स फ्री है यहाँ पे आपको। देखिए रहने की व्यवस्था हर शंभू। देखिए यहाँ से अब भूटान जो आपको बताना चाह रहा था मैं उस समय नदी के जरिए, नदी उस ओर इंडिया तो इस ओर भूटान है, तो आगे की ओर देखिए इसका डिस्टेंस सीढ़ी बनी हुई है, ये अब छोटा महाकाल की और हम लोग आगे बढ़ सहज रास्ता है, ये कितने भी एज के क्यों ना हो कोई तो बीमारी चलने वाले हैं आराम से आगे। मैं चाहूंगा जो छोटा महाकाल ये जो छोटा महाकाल अपने आप बनी है, तो आगे की जाना की धोने के लिए कितने लोगों को पवित्र गंगा जल के जरिए पाप धोकर अपने को मुक्त होना चाहते हैं तो वो लोग जरूर यहाँ पे पहुंचे। माँ बह रही है पापी पाप धोते धोते आप लोग कहाँ से आए भैया? कोलकाता से आए हैं। भगवान जी नमस्ते। कब आए आप लोग? कल आए थे। छोटा महाकाल, छोटा महाकाल में इसके ऊपर 12 महाकाल है जो ऊपर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखते हैं कि इधर का जो एनवायरमेंट है, इधर का जो ये है बहुत बहुत हम लोग को भीड़ भाड़ अगला साल कलकत्ता में नहीं मिलता है। नहीं कलकत्ता में ज्यादा नहीं मिलता, कलकत्ता में पॉल्यूशन ही मिलता है। अच्छा लग रहा है, सबसे बड़ा प्यार हुआ है कि नहीं? जगह तो बहुत अच्छा है। किससे प्यार हो गया? वो देखिए वो जो माँ दिखा रही है, दिखाई दे रही है ना, नेचर तो बहुत अच्छा है। वही माँ आपको बुलाई है? बुलाई इसीलिए तो आप। अरे बाबा बाबा आपको खींच के लाए, बुलाए नहीं है खींच के लाए, इसीलिए आए ना। গৌতম গোত্র হইলে পারে এই গৌতম গোত্রেরই বংশ পরম্পরা, এই দেবতা সেই দেবতারই সৃষ্টি। শিব গোত্র হলে শিবের বংশ পরম্পরা হয়, গৌতম গোত্র গৌতম গোত্রের হলো বংশ পরম্পরা, এই দেবতা এই গৌতম গোত্রেরই অধিপতি। আর আলিমগণ গোত্র হইলে পারে আলিমগণের বংশ পুত্র, এইভাবেই পুত্র সূত্র তার 33 দেবতা, এই 33 দেবতা দিয়ে আমরা এই আগে 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 করে এইভাবে মুরারেতি প্রান্তকারী ভানুভূমি শিরব্দ সভা শনি রাহু গ্রহ সর্বে গ্রহ পাথর মে আপলোক কো বাবা জি বিরাজমান দিখাই দে রহে হ্যায় ধ্যান সে। देखिए कितना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को पत्थर दिखाई दे रहे कुछ देर पहले वहाँ पर, वहाँ से हम लोग हैं बहुत बल दिखा कर नीचे गिरा दिए ताकि वहाँ आने जाने का सुविधा हो, बहुत सुविधा दिए अपने वहाँ पत्थर थोड़ा पत्थर से गिरा कर रखा आने जाने के लिए रखा बनाया ताकि कितना घूम के नहीं आना, और ये पेड़ के चाहन पर औरों लोग को आना, बच्चों लोग को आना, बूढ़े लोग को आना,
आराम से कर जाओ। जय बोले हर हर शंभु। अब आराम से लोग यहाँ पे आ पाएंगे नहाने के लिए, तो आराम से कर पाएंगे। ये पानी पत्थर जो बड़ी ऊपर पे पड़ी हुई थी हमारे दोस्त ने आइडिया कर, हमने भी थोड़ा हेल्प किया तो दोनों मिलकर पाव की वजह से हम लोग किए, तो अपने आगे अब यहाँ पे देखने भक्तन जो वहाँ पे देखे झरना जो कल कल बहती हुई ऊपर में एक बार फिर हम लोग दिखा चुके हैं झरने को जो ऊपर में स्रोत बनी हुई है। तो यहाँ पे एक छोटा सा संगम नहीं कहूँगा, लेकिन नदी के धार में बनी हुई एक टोपरी नुमा नेपाली में टोपरी बोलता है तालाब भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे पहाड़ कई भक्त यहाँ पे बाबा जी की तस्वीर बनी हुई है, तो ठीक एग्जैक्ट यहाँ पे भक्तजन आके ज्यादातर जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पे आके स्विमिंग भी करना चाहते हैं। तो ये नेचुरल बनी हुई एक स्विमिंग प्लेस है, डीप भी अच्छी है, कम से कम अपने गले तक की हाइट है यहाँ पे पानी की, काफी ठंड है पानी भी। बस यहाँ पे कण कण में बसी हुए बाबा जी, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाबा जी की तस्वीर के बगल में पूजा करके जा रहे हैं हम लोग, ना छोटा ना बड़ा। बस अगर मन में बाबा जी के ध्यान हो, बाबा जी के लिए सोच हो, तो आपको यहाँ पे हर एक पत्थर ही शिवलिंग दिखाई देगी। अंधेरे में चलोगे बिल्कुल आपको बाबा जी नजर आएंगे, जहाँ पे भी आप ये बड़ी बड़ी पत्थर पड़ी हुई है। पहले नजरों में लोगों के नजरों में देखा जाए तो पत्थर है, लेकिन यहाँ पे कनकर में बाबा जी के पास बसी हुई है। इसलिए हम लोग ना छोटा ना बड़ा, बस यहाँ पे एक छोटी सी एक तालाब की बनी हुई प्रकृति बनी हुई थी जो हम लोग साफ कर चुके हैं अभी इसको, तो यहाँ पे नहा के हम लोग का बस ये भी बाबा जी की तस्वीर में पूजा करके जल चढ़ा चुके हैं, तो फूल यहीं पर हम लोग दे के बस दिया साक्षी रखते हुए बाबा जी के नाम में नमन करके याद करते हुए बाबा जी को जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, इस भावना को रखते हुए हम लोग ने यहाँ पे उतर निकले। वहाँ पे ऑलरेडी एक पत्थर को गिराते हुए एक शॉर्टकट रास्ते वाली रास्ता भी बना चुके हैं, और यहाँ पे अब नहाने के लिए बन चुकी है। यहाँ पे काफ़ी भक्तजन आके नहाएंगे, जो पहले से नहाते आ रहे हैं वो इसी जगह पे आएंगे जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो आगे की ओर झरना भी है, आपको वीडियो फोटो कुछ भी करना हो इतनी सी एरिया में बहुत अच्छी वीडियो फोटो बन सकती है, जो प्रकृति की ओर से अपने आप बनी हुई है, कोई बनी बनाई नहीं, अपने आप बनी हुई है। बस यही कहते हुए मैं अब आज के लिए यहाँ से विदाई लेना चाहता हूँ। यहाँ से अब निकलकर हम लोग अब आगे की ओर अपने घर की ओर प्रस्थान होंगे। अब फिर बाबा जी के नाम लेते हुए दोबारा हम लोग यहाँ पे अब पूरी तैयारी के साथ दुकान अपना खाने पीने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था फूल लेते हुए फिर अब बाबा के द्वार पे हम लोग हाजिर होंगे। हर हर शंभु, हर हर शंभु शंभु, हर हर शंभु, जय शंभु, जय श्री राम। ওই বন্ধাকপি ফুলকপি আপনি ওইদিকে খান, আপনার ভালো লাগবে না। এখানে মশলাপাতি কিছু নেই, এমনি সিদ্ধ আছে, লবণ যদি কম থাকে না বাবার দ্বারে ভোগ হয়ে যায়, তো সেই টেস্ট। ক্যা ম্যাগি খাগা কুচ? ও সিরিন্দি, সিরিন্দি কা হ্যায় কা হ্যায়? ও দিদি হম লোগ কে লিয়ে ম্যাগি বানাইয়ে। ओ अब टमाटर टमाटर प्याज वाज दे के मिलिया मिस, ठीक है?